सपोज क्या हुआ कि तुम्हारी कोई बारिश हो चुकी है, ये तो सिंपल मैक्सिमम कब होगा जब बिल्कुल ड्राई है। सपोज पहली बारिश होगी, कोर्स सारे फेल हो गए, ठीक है, तो जब बारिश नहीं हुई तब भी तो उसके अंदर कुछ पानी इतने मॉइस्चर सोख रखता है, तो उस टाइम पे जो उसका इन्फिल्ट्रेशन है एट दैट टाइम बारिश नहीं हुई वही है तुम्हारा इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन का। नहीं करवाए? नहीं मैं बता रहा हूँ, एक बार देखिए मैं कल दिखाता हूँ आपको। वो होता है ना, इसमें दो केसेस हैं हमारे इन्फिल्ट्रेशन के लिए। आई पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे, कि अगर हमारी जो आई है वो एफ पी से बड़ी है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी से बड़ी है, तो हमारा जो एफ होगा वो एफ पी के इक्वल होगा। अगर आई जो है वो उससे एफ पी से छोटी है, तो हमारा जो एफ पी एफ है जो एफ के इक्वल ही होगा सर। एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, तो आए हुए हैं एफ पी, तो वो होती है उसकी इनिशियल जो मैक्सिमम होती है इनिशियल, उसमें जो इनिशियली कुछ ना कुछ उसका जो वाटर इनफिल्ट्रेट वाटर था, एफ सी जो कॉन्स्टेंट हो जाएगी टाइम पे जाके। ये जैसे तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन कराया वो किए नहीं किए सर, वो मैंने लिख लिए हैं, मतलब फोटो वोटो खींच ली उनकी, और एग्जाम से पहले दिन वही कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आया हमारा, यही क्वेश्चन था, एक बार तरीका बता दीजिए इनका करने का कुछ। इंडिकेट नहीं किया इसका, किया होगा, किया है ना, इसको सॉल्व नहीं किया, बस वो सॉल्व नहीं किया, अच्छी आ जाएगा, 0.2 वैल्यू हो जाएगी, ये क्या 6.2 है, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अब e की लिमिट हो जाएगी 0 to 2 माइनस 2 की, यहाँ पे 4.18 into 2 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 0 से करेंगे तो e की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो कर लेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं समझाया, पूरा क्वेश्चन लिखा है पूरा ही है सर, ये है जैसे कि द पैरामीटर इन अ हॉर्टन्स इक्वेशन, ये दिया हुआ एफ पी इक्वेशन, ये दे रखी है हमें, एफ नॉट दिया है यानी कि इनिशियल कैपेसिटी जो हमारी होती है, एफ सी इन्होंने दिया जो कॉन्स्टेंट होगी टाइम पे आगे, के की वैल्यू दे रखी है जो वो होता है हमारा डिग्री कॉन्स्टेंट, एज्यूम कंटिन्यूस पॉइंटिंग मतलब कि रेंज जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है, द कम्यूटेटिव इन्फिल्ट्रेशन एट द एंड ऑफ 2 आर इज, तो बस सिंपल क्या है 2 आर के बाद रख दिया, यहाँ पे 2 टी होता है ना तुम्हारा कोएफिशिएंट, यहाँ पे उसमें मल्टीप्लाई कर दे 2 आर्स के अंदर की वैल्यू, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर सिंपल इन्फिल्ट्रेशन ही तो पूछा गया है और थोड़ी कुछ पूछा गया है, इन्फिल्ट्रेशन इसमें पूछा गया है, अब जब हमारी रेंज जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है, हाँ। तो हमारा जो एफ है वो एफ पी के इक्वल होगा, एफ पी के इक्वल होगा ना, हमने एफ पी की इक्वेशन ये दे रखी है हमें ऑलरेडी, इसमें 0 से 2 लिमिट रख दी, तो ये एफ क्यों है, एफ पी होना चाहिए ना भैया, यही तो बन गई ना तुम्हारी पूरी टोटल कैपेसिटी, कैपिटल एफ पी लिखो इसे, ये स्मॉल है कैपिटल में रिलेशन है, ये यही रिलेशन निकाला है, यही निकल के आया है तुम्हारा ऊपर, ये भी तो है रिलेशन, और यही तो है कि मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कितना होगा तुम्हारा उसमें, इट डिपेंड्स ऑन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कितनी देर तक वहाँ रेनफॉल हुई, तो मैक्सिमम कब होगी जब तुम्हारा सॉइल ड्राई कंडीशन में होगी, तो वही निकाला गया है। अच्छा ये है मतलब कहने का कि ये हमारा ना एफ पी तो मैक्सिमम हमने जो एफ था हमारा वो एफ सी के इक्वल ही रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमने 0 से 2 तक जो जितने टाइम इंटरवल तुम्हारी रेनफॉल चला है उसमें कितना इन्फिल्ट्रेशन निकल के आया है वो उसमें है ना, कितना निकल गया है इन्फिल्ट्रेशन, ये जो कैपिटल एफ पी है, ठीक है, यही जो तुम्हारा कैपिटल है, दिस इज द क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, क्यूमुलेटिव मतलब कि जब से तुम्हारी बारिश स्टार्ट हुई जब तक ख़त्म नहीं हुई, जितना तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर हुआ दैट इज़ योर क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। देखो सपोज यहाँ पे तुम्हारी बारिश शुरू हुई तो उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन रेट सबसे ज़्यादा होगा, जब बारिश क्या हुई तुम्हारी कंटिन्यूस हो गई, जब उसके बाद सारे पोर्स सैचुरेटेड हो गए तो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तुम्हारी कम आ गई, एट ए टाइम टी सी इट बिकम्स एफ सी, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दैट इज योर एफ सी। अब देखो
दिस इज, अब देखो जब तुम्हारा एफ सी ए हो गया तो क्यूमुलेटिव तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होगा कि देखो शुरुआत में क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा एट अ टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू जिस टाइम तक तुम्हारी बारिश चलती है तब तक तुम्हारा क्या होगा सारे प्लस हो रहा है। तो यही तो क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन था ठीक है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम ने क्या कर दिया बढ़ाते चले गए। तो ये क्यूमुलेटिव निकल गया, दिस इज योर एफ पी, दिस इज क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। और ये क्या है सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है ठीक है, ये सेंटीमीटर में होगा, ये तुम्हारा सेंटीमीटर पर आर में होगा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, सेंटीमीटर पर आर में होगा रेट होता है ना, ये सेंटीमीटर पर आर में होगा, ये इनटू आर कर दिया तो क्या निकल गया क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दैट इज इन सेंटीमीटर। तो सही तो दिया गया है और क्या है। अच्छा मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, वो स्मॉल एफ होता है हमारा ये हाँ। ये जो एफ पी दिया गया है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दिस इज द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा एफ किसी भी टाइम पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा एक तो तुम्हारा इनिशियल क्या कहते हैं तुम्हारा इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा जब तुम्हारा बारिश नहीं हुई ठीक है, तो क्या था जो भी उसके अंदर पानी पहले से प्रेजेंट होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्लस तुम्हारा एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है ठीक है, तो वो दिया गया और उसने अपना कॉन्स्टेंट दिया एक्सपोनेंशियली घटती है ना वो नहीं ये घट रही है ना हाँ। इसीलिए माइनस दिया गया हाँ। बढ़ रही होती तो प्लस हो जाता, ये इसमें कंफ्यूज हो गया था मैं कैपिटल एफ में और स्मॉल एफ में, मैं सोच रहा था कि तो यही जो एफ पी टी है ना उसके लिए हॉर्टन ने ये वाला फॉर्मूला दिया। अच्छा छोड़िए, यही जो क्यूमुलेटिव निकालने के लिए हॉर्टन ने क्या फॉर्मूला दिया तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम इंटरवल टी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला दिया बस। और इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी, एफ पी की जो है तो यहाँ पे सिंपली डाल के क्यूमुलेटिव निकाल सकते हैं यानी कि इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं हम। इसमें कंफ्यूज हो रहा था मैं स्मॉल एफ पी वाले में क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो हमारा कंपनी का लिखा है मैंने लिखा ना सही तो है तुम्हारा भी हाँ सर मेरा सही है लेकिन मैं ये कंफ्यूज हो गया था इसके लिए इक्वेशन दिया ही जाएगा ना जब तुम्हें पूरा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसी भी टाइम में पूछा जाए जब क्यूमुलेटिव पूछा है तो उसके लिए दिया ही होगा, मैं इसमें हुआ था परेशान कि ये जो मैं सोच क्यूमुलेटिव तुम्हें जब भी निकालना है ना तो कैपिटल एफ पी निकालो ठीक है बस। और पता है मेरा डाउट क्या आ रहा था सर, मैंने वो समझ लिया था कि अगर हमारा आई जो है वो एफ पी से बड़ा होता है तो हमारा जो एफ है वो एफ पी के इक्वल होगा, स्मॉल एफ होता है लेकिन वो मैं इस कैपिटल एफ को और उस स्मॉल एफ को लिंक कर गया, मैं सोचने लगा कि यार ये कैपिटल एफ तो कैसे लिंक है जहाँ पे क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पूछा जाए इसका मतलब कैपिटल एफ पी पूछा गया है कि टोटल कितने टाइम में जितने टाइम बारिश हुई कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ बस। अब उसको निकालने के लिए हॉर्टन ने इक्वेशन दिया है, अच्छा हॉर्टन इक्वेशन का ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो भी अगर तुम्हें इक्वेशन दी गई होगी तो लिख देना, नहीं गिवन है तो इसके लिए क्या कहते हैं बस लगा दो फॉर्मूला अपना, अगर ये एफ पी दिया होगा नहीं तो स्मॉल एफ पी दिया होगा, अगर कोई इक्वेशन में क्वेश्चन दिया गया है तो जिस टाइम के लिए पूछा गया है उस टाइम के लिए इसको इंडिकेट कर दो